सबसे पहले अहम खबर है मुल्क की सूरत हाल पर वजीर आजम का कौम से खिताब मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक खिताब के वक्त का तायुन आज या कल मुशावरत से तय किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से, आपको बताते चलें कि ज़राए का इस हवाले से बताना है कि वजीर आजम खिताब में कौमी लाहे अमल से आगाह करेंगे और उनको एतमाद में लेंगे। मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा हमारे नाजरीन को। जी बिल्कुल कामरान, इस वक्त जो मौजूदा अमन अमान की सूरत हाल है और कल अजम मजहबी जमात का जो धरना इस वक्त लाहौर में जारी है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस तमाम सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेने का फैसला किया है। ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का आज या कल कौम से इस मामले पर खिताब मुतवक्के है। मुख्तसर खिताब होगा जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान अब तक के जो नामूस रिसालत के लिए कुमती इकदाम हैं उससे आगाह करें, खासकर वज़ीर आज़म इमरान खान कौम की तकरीर थी उसका हवाला देंगे। उसके बाद जब तो उसके बाद वज़ीर आज़म जो इस्लामी मालिक से राब्ते किए थे, खासकर तुर्की और दीगर से, उस वाले वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो आगाह करेंगे। साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमती इकदाम पर कौम को एतमाद में लेंगे और इसके अलावा जो मुल्क में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल है उससे मुतालिक जो वज़ीर आज़म बताएंगे। तो इसका ये आज होगा या कल होगा इसका फैसला कुछ देर बाद एक अमन अमान से मुतालिक सूरत इजलास है। इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान सीनियर पार्टी वज़ीरा पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब को अपनी शक्ल दी जाएगी। ज़राए बता रहे हैं उसमें फैसला हो जाएगा, खिताब आज नशर किया जाएगा, कल जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को तमाम सूरत हाल पर एतमाद में देंगे। ठीक शहबाज, आपने अपडेट किया इस हवाले से, आपका शुक्रिया।